वो तो मैंने मंगाया था कुरियर, कंफ्यूज कर रहा तू, उसमें तो स्पेशल चीज है, चल दिखाता हूँ। क्या कह रही है? आंसर शीट से कुछ मत देखना। अच्छा तो गाइस ये देखिए, ये हो गए हैं स्कूल के रेडियो, इनकी बस आ चुकी है। क्या हाल है? और आजकल इसको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि अब एज बढ़ रही है ना, एज बढ़ने से गुस्सा आता है। मैंने तुमको पहले बताई थी ना, बात बहुत पहले बताया था, तुमने कहा था मैं नहीं करूंगी गुस्सा, लेकिन आजकल ये करने लगी गुस्सा। होता है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, कंट्रोल करना पड़ता। लेकिन चलो जाओ, बाय बाय। तो गाइस ये देखिए, सुबह सुबह शिल्पी को नहला दिया है मैंने, और रोबो को भी नहला दिया, दोनों को मस्त करके नहला रखा है। रोबो कैसा हो रहा है अब, ठीक हो रहा है? तो गाइस नहा धो के खाना खा के मैं हो गया ऑफिस के लिए रेडी, और आज मैंने ना व्हाइट वाले टी शर्ट पहनी। तो चलिए चलते हैं ऑफिस को, देखते हैं आज लोग में क्या नया होगा। चलो मम्मी ऑफिस पे हैं, फिर मिलते हैं अभी आके। ओके चलो जी चलते हैं। तो गाइस काना और खुशी को लेने मैं आ गया हूँ स्कूल। हेलो, क्या हाल है बेटा? नाम हिमांशु। और कौन सी क्लास है? फोर्थ। अच्छा, काना के साथ पढ़ता है, कौशल के साथ? कैसा कौशल क्लास में, अच्छा है गंदा है? ठीक है। बदमाश है? नहीं है, बदमाश तो हो गया है। बदमाश हो गया ना, शिकायत मिल गई भाई तेरी, तू बदमाश है क्लास में, क्लास में बदमाशी करता है तू। हाँ करता है तू, वो बता रहा है तेरे क्लास का, क्लास पहले बता रहा है। ये कैसे ले लिया? हिमांशु कह रहा था तू बदमाश है क्लास में, बदमाशी करता है। नहीं तो हिमांशु कह रहा था अभी, करता है ना? हाँ करता है, देखिए बदमाशी तो ये तो बहुत ही करता है, ये नहीं करता। हेलो बच्चों, हेलो हेलो, क्या नाम है आप लोगों का? भावेश कुमार मेहता। हाँ। ओके, अब बेटा आपका नाम क्या है? भूमिका। ये देखो गाइस, ऐसे आने लग गया है बाहर को, निकाल दे इसको, ऐसे मत कर, ऐसे नहीं लग रहा सही, यहाँ रख दे, आगे रख दे, रख दे यहाँ पे, फटक लगा है। ट्रेन आ गई, शुरू होते ही खत्म। तो गाइज हम मॉल में आ गए क्योंकि खुशी ने लेना है मैप, कल भी आए थे हम, कल खुशी मैप लेना भूल गई है ना, आज लेंगे मैप खुशी के लिए। कौन सा वाला? पॉलिटिकल। अच्छा तू क्या कह रहा है, मत कर, अरे मिल गया। चलो अब क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग, पीने का ले लो फिर, यहाँ से कुछ पीने का ये ले लो फिर। चलो ये लेना है, ये ले लो। अरे देखो खांसी हो जाएगी इससे, इतना ठंडा मत पी। इधर 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 नहीं। और गाइस वहां पे बैठा है कबूतर, और अब हम पहुंच गए हैं घर। तो गाइस सारा काम धाम निपटा गया, अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस को। तो गाइस मैं घर को आ गया था, और देखिए हमारा सब्सक्राइबर मिल गया। हेलो कर दो, क्या हाल है, ठीक ठाक? ओके। तो गाइस ऑफिस से मैं घर पहुंचा। हेलो क्या हाल है, और सब बढ़िया? क्या चल रहा? और मेरे को बहुत बुरा लगा। क्या? जब वो आए ना कॉलेज वाले भैया, मेरे से कह रहे अरे ये रहा छोटू, जब मेहमान है ये रहा छोटू, इधर छोटू का, तेरे को तो बुरा लग गया। तो तू कहता ना मेरा नाम काना है, कौशल है, कानू है, तो आपसे कहना अगली बार से जब कोई कहेगा छोटू तब कहना, ठीक है? तो क्या आया है वो? मेरी बुक्स। बुक्स आई है तेरी कुरियर में? बुक्स आई है, किसने कहा? दादू ने मंगाई थी। दिखा दो फिर, आ गई, चेक कर ली। वो तो मैंने मंगाया था कुरियर, कंफ्यूज कर रहा तू। वो तो मैंने मंगाया था, उसमें तो स्पेशल चीज है, चल दिखाता हूँ। तो गाइस ये है कुरियर, आज खुशी भी आ गई। क्या हाल है खुशी? कुरियर पता क्या है, खोलेंगे तो पता लगेगा। लाओ एक इसके लिए, खोलने के लिए क्या लाओगे? मैं खोलूंगा, क्या चीज़? लाओ एक, क्या हो? तो गाइस ये जो कुरियर आया, ये काना खोल रहा है, यहाँ पे खोल के दिखा। अब देख खोल के क्या है। क्या है ये? आत्मा निकलने वाली चीज। उसे क्या है ये? आत्मा निकालने वाली चीज। जो लो चिप्स आ गया गाइस, ये देखिए। और इसका सुन, इसका चैलेंज होगा संडे को। नहीं हमारे, तुम्हारे साथ नहीं होगा, बच्चों के साथ। हाँ ठीक है, बच्चों के साथ नहीं होगा, ये बड़ों के साथ होगा, पब्लिक चैलेंज होगा, जहाँ हम जाएंगे खाएंगे तो हम भी। नहीं तुम नहीं खा पाओगे, तुम नहीं खा पाओगे, नहीं खा नहीं पाओगे, नहीं बच्चों के लिए नहीं है ये, इसमें लिखा भी होगा बच्चों के लिए नहीं है ये। पता नहीं क्या मिल गया इसको, ये घुस गई थी अंदर ही। शिल्पी बाहर आ, बाहर आ। क्या है वहाँ? कुछ तो है भैया, वो कोई हिलेगा तो फट से देखना कूद जाएगी दोबारा। शिल्पू शिल्पू ले।
तो गाइस जैसे कि कल खुशी ने मेरे से कहा था कि मेरे को इसके दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आज खुशी बनी है टीचर और मैं बना हूं स्टूडेंट। और ये देखो टीचर बन के खुशी यहाँ पे अभी मुझे बता रही है जो फॉर्मूले हैं इसके वो बता रही है। तो खुशी बोलेगी अब क्या बोलना चाहती है? मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वेश्चंस है। इससे चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 7.2 करा रही हूं आज। एक्सरसाइज 7.2 हां, 1 कर मुझे क्या मतलब इस बात से सीधे क्वेश्चन बताओ मुझे। बात तो सही है। ठीक है फिर क्वेश्चन आप देख। अच्छा इसमें क्वेश्चन देखूं मैं? इसमें पहला क्वेश्चन समझा रही हूँ ए पार्ट। तो मैं बुक ले लेता हूँ। क्या कह रही है? आंसर शीट से कुछ मत देखना। अच्छा ठीक है। और एक स्टूडेंट गाइड ये बैठी है देखो यहाँ से देख रही है ऊपर को झाक झाक के देख रही है क्या कर रहे हैं लोग। तो क्या है क्वेश्चन? याला है ए पार्ट। गार्डनिंग सीजर्स बाउट फॉर ₹250 में एंड सोल्ड फॉर ₹325 में। इसमें बोल रखा है ₹75 का प्रॉफिट हो गया। इसमें बोल रखा है हमें पहले लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है बताना है, उसके बाद हमें उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अच्छा परसेंट भी निकालना है? ओ, वो नहीं आएगा। यही चांस है मेन, मतलब यही मेन पॉइंट है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। मैं निकाल दूंगा चलो पहले मैं समझाऊंगी। ओके बताती रहे तू क्योंकि फास्ट में चलेगा। ये तो मैंने बोला था समझ नहीं। ओके फिर लॉस का प्रॉफिट वो निकल जाएगा परसेंटेज। अब इसको प्रॉफिट हमारा इतना है तो 75 लेंगे। ओके ओके थैंक यू आपने आंसर बता दिया। वो तो मैं बताऊंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ओके 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 तो गाइस अब मुझे क्वेश्चन मिलने वाला है, अब मैं आंसर बताऊंगा और यहाँ पे मेरी हेल्प करेगी शिल्पी। लो अब क्वेश्चन मैं बताऊंगी। ओके अब खुशी यहाँ पे बैठ गई, अब ये मुझे क्वेश्चन देगी। चल बता। है असर बाउट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। जो क्वेश्चन तेरे को नहीं आ रहा वो तो नहीं पूछ रही, मुझसे कहीं वो तो नहीं करा रही है। मुझे आता है, मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगी। एक शर्ट जो है उसने खरीदी, बाउट मतलब हमेशा खरीदना होता है सीपी, तो उसने इतना खरीद इतने में खरीदी और इतने में बेच दिया। अब आप बताओ उसे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? लॉस हो गया उसको। हां तो जाओ लॉस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है उसका ₹250। हां ₹250 प्रॉफिट लॉस ठीक है। कोई बात नहीं, लॉस प्रॉफिट जो परसेंटेज का फॉर्मूला ठीक है। सीपी नीचे जो भी होगा लॉस या प्रॉफिट नीचे ऊपर यहां पे आएगा। लॉस प्रॉफिट जो भी होगा ऊपर आता है। अच्छा लॉस प्रॉफिट ऊपर आता है सब मैंने बताया था।
ठीक है। तो हमेशा परसेंटेज होता है 100 से निकलता है, 100 से 100 परसेंटेज, 100 मतलब ठीक है, 100 परसेंटेज ठीक है। अब सीपी की जगह में भरो तो सही जो है। हाँ, इसका अगला स्टेप 100 250 क्योंकि ये सीपी प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक हो गया। हाँ। इससे ये कट गया ठीक है, 5 5 25 ये 5 आ गया, यहाँ से 10 कट गया 2 आ गया ठीक है। अब ये 5 से हम इसको काटेंगे इधर इस वाले को, तो ये काट दिया तो 5 20 आ जाएगा यहाँ पे 20 अब करो ठीक है ठीक है। अब ये दोनों हो जाएंगे, देखो ये बच गया और ये बच गया, ध्यान से देखो इनको मल्टीप्लाई यहीं पे कर देता हूँ मैं। चलो 20 × 2 = 40% ये जो है 40% का लॉस हो गया इनको, इस सौदे में मुझे जो है 40% का इस पैसे का, इस रुपीज़ का 40% का लॉस हुआ है, यानी कि इस रुपीज़ का 40% 100 होता है। इसका एक तरीका और है, 100 100 कितना हो गया 40 40 80 80% हो गया 200 में, अब कितना बचा 50, तो हमारे पास कितने परसेंट बचा, अब 20% बचा है, तो 20% यानी कि 50 रुपीज़ तो हो गया सिंपल। अब बता मैं पास हुआ नहीं हुआ, आता है ना मेरे को। तो फिर कल के दिन नहीं आता है। लेकिन कल भी होगा, कल गुणा होगा। अच्छा तो गाइस मैं जीत चुका हूँ यहाँ पे, मुझे आता है परसेंटेज निकालना, बस तरीके अलग अलग है, इनके फॉर्मूले अलग है, मैं सीधे निकाल देता हूँ परसेंटेज। और काना जो है अपने दादाजी के कमरे में सो रहा है, वहीं सो गया है, 2-3 बार गया मैं लेने, रो रहा हूँ, नहीं आ रहा यहाँ। तो गाइस तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को एंड, आई होप दोस्तों ब्लॉग को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।